हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैंने बनाया है पोहे की रेसिपी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पोहा को धो लिया है अच्छे से। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा। राई दाना, ये चटकने लग गया है, अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो कि हमने लंबे स्लाइस में काटे हैं, बारीक कटा हुआ प्याज और इसको चला लेंगे। फ्रेश मटर, मटर को हमें अच्छे से भूनना है ताकि पोहे में कच्चापन ना रहे। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसे हम मिक्स कर लेंगे। मटर बिल्कुल पक चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पोहा। पोहा डालकर हम इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक, इसे भी मिक्स कर लेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, इसे चलाएंगे। पोहा अब बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें नींबू निचोड़कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके एक बाउल में निकालेंगे। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।